अच्छा बगैर वीडियो के मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मैं इसको बताना चाह रही हूँ अभी। ये समझो कि सिर्फ हार्ट का नहीं बता रही बल्कि ओवरऑल सबका बता रही हूँ। ये चीज़ आपको वहाँ वहाँ काम आएगी कि जब कोई चीज़ पेरिटोनियम किसी चीज़ को कवर कर रही होती है, ठीक है। पेरिटोनियम में इसे कोई भी लेयर इंटेस्टाइन में एक जगह काम आएगी, ओवरी में काम आएगी, सही है। तो पहले मैं भी नॉर्मल बता रही हूँ कि जब कोई चीज़ किसी को कवर करके एकदम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता क्या है, सीन क्या क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये अभी हार्ट समझ लो या कोई भी चीज़ समझ लो, इंटेस्टाइन समझ लो, ठीक है। देखो इसने इसको पूरा ये था, ठीक है, ये इसने क्या करा, इसको कवर करा आगे पीछे से। और जब ये पीछे आएगा, ठीक है, जब ये पीछे आया तो क्या करा इसने, इसके ऊपर से ये निकल के आया, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास जो आपने देखा हुआ हार्ट में क्या बन रहा है, सल्कस वाला जो बन रहा है ना, जो आपको सॉरी सल्कस बोल रही हूँ, पेरिटोनियम वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है वो एरिया दिखाएगा। अब जब ये रिफ्लेक्ट होती है ना यूँ करके, तो ये जाके ऊपर किसी से कंटिन्यू हो जाती है टूवर्ड द, ये हमारे पास है विसरल पेरिटोनियम, देन ये कंटिन्यू हुई टू द पेराइटल पेरिटोनियम पेरिकार्डियम, सॉरी, ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। अब यहाँ पे ना ये एक जगह बन जाती है, दैट इज़ नोन एज सल्कस, ठीक है। ये जगह बन गई सल्कस, जो नीचे के साइड से बनेगी तो वो क्या होगा, ओब्लिक सल्कस। वो ओब्लिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ यू करके है ना, यहाँ से ऐसे है, और इसकी कवरिंग भी मेरा ये पन्नी खींच नहीं रही, क्वाइट डिफिकल्ट। अच्छा ये जो है ये भी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे, और ये ऐसे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी आ गई है। तो ये ओब्लिक बन जा, यू करके बन जाता है, बिल्कुल यहाँ से कवर्ड होता है, यहाँ से कवर्ड होता है, यहाँ से एक साइनस बन जाता है, यानी एक जगह बन जाती है जो किसके दरमियान होती है, बिटवीन द पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, दिस इज नोन एज द ओब्लिक साइनस, ठीक है। अब अगर आप कहोगे कि जो स्पेस होती है पेरिकार्डियल स्पेस, वो भी तो स्पेस होती है, अब इसको ओब्लिक साइनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो होती है पोटेंशियल स्पेस। पोटेंशियल स्पेस क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल स्पेस वो होती है कि जो अगर आप नॉर्मली देखोगे इस तरह से चिपकी पड़ी होंगी, ठीक है, लेकिन फिर अगर आपने उसमें फ्लूइड भर दिया तो वो अलग होना शुरू हो गई। बट ये क्या है, ये ऑलरेडी अलग जगह है, ये चिपकी भी नहीं है। मतलब आप क्या करोगे, अगर ये आपकी एपेक्स है हार्ट की, अब मुझे कोई हार्ट का ना शेप नहीं मिल रहा कुछ, सपोज करो ना, इमेजिनेशन अपनी अच्छी करो थोड़ी सी, मैं कोशिश करती हूँ। अगर ये एपेक्स है आपकी, ठीक है, और यहाँ से आप फाइबर्स कट करते हो, ठीक है, फाइबर्स करने के बाद आप क्या करते हो, पेराइटल भी करते हो, तो अगर आप हार्ट डालोगे तो इस तरह से ये जो है ना स्पेस बन जाएगी, बाकायदा बात लिखी हुई आपकी ग्रेज में, ठीक है। अब आप आ जाते हैं ट्रांसफर साइनस के चीज़ पे, ठीक है। तो देखो ये चीज़ तो एक नीचे चली गई, ये स्पेस बन गई, ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर गई, ठीक है, यू करके ऊपर गई, यहाँ पे जो स्पेस बनी है दैट इज़ ट्रांसफर साइनस। और इसके बाद ये वाली जो ये चीज़ है ये ख़त्म नहीं हुई, इसमें अगर आप देखोगे डायग्राम में तो ये मैं डायग्राम अगर ले आऊँ, इसको रोकेंगे कैसे, हाँ तो ये देखो हमारे पास इसमें कुछ नज़र नहीं आ रही है, कोशिश करो अगर नहीं समझ आए तो बताना। देखो इसने क्या करा, ये पूरी यहाँ से कवर हुई, ठीक है, ये अपने ऊपर चली गई, ठीक है। इसको देखो यहाँ से ये हमारे पास बन गया, फिर इतनी अच्छी अच्छी नहीं बनेगी, क्या बन तो यहाँ से बता दो इसको ट्रांसफर साइनस, भाई इतनी गुजारा करो फिर मुझे नेट से कोई डायग्राम मिलते तो बता दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया, ये वो चीज़ हो गई जहाँ से मैंने बताई कि रिफ्लेक्शन है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल भी पेरिकार्डियम नहीं है, बेयर एरिया जो होता है ना ये वो बन रहा है, उन्होंने अच्छी तरह से शो नहीं करा, बट अब इस टाइम से लिएगा दिस इज दैट बेयर एरिया, उसको बेयर एरिया कहते हैं, यहाँ पे पेरिटोनियम नहीं है, ये सारा बेयर एरिया, ठीक है। अच्छा नहीं ये वाला, ये जो है ना ये बियर एरिया, ठीक है, यहाँ पे पेरिटोनियम नहीं है या पेरिकार्डियम नहीं है, आज रूम में बार बार पेरिटोनियम भी गए। और ये जो इन्होंने दिखाया हुआ है ना, ये फ्लैप दिखाया हुआ है, अगर इसको अपनी डायग्राम में गौर से देखोगे तो इन्होंने ये फ्लैप दिखाया हुआ है कि नीचे भी हमारे पास
पेरिकार्डियम है, ऊपर भी पेरिकार्डियम है, और यहाँ पे स्पेस बन रही है जिसको ऑब्लिक साइनस कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला एरिया है ये टर्न हो जाता है ऊपर की तरफ, हमारे पास इसमें दोबारा से ये विसरल है, ये वो बनती है पेराइटल, और ये ऊपर की तरफ जाके फिर ऊपर से इसको सराउंड, यानी एक अलग कंपार्टमेंट बन गया, और यहाँ पे भी एक साइनस बन जाता है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स साइनस।